अभिषेक और आज हम फिर से आपके सामने हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम फिर से हमारे बच्चों की मांगे पूरी करेंगे और बताएंगे कंपैरिजन बिटवीन जीएमसी राजनांदगांव एंड जीएमसी बिलासपुर। अगर आप मुझे पूछे तो वैसे तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट व्यू में देखते हैं तो ऑब्वियसली बिलासपुर का कॉलेज मच बेटर है, बिकॉज काफ़ी पुराना है, डेवलप्ड है और सीट्स भी ज़्यादा, बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत ही फेमस है। तो बिलासपुर का जो कॉलेज है वो तो ऑब्वियसली काफ़ी बेटर होगा, बट क्योंकि स्टूडेंट्स को ये जानना है कि कौन कौन सी क्राइटेरिया में कौन सा कॉलेज बेटर होगा, तो हमारी उन 5 क्राइटेरियाज में हमारे हिसाब से देखते हैं कि राजनांदगांव बेटर कॉलेज होगा या बिलासपुर का कॉलेज बेटर है। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया होता है हमेशा की तरह, वो जो क्राइटेरिया है वो है पेशेंट फुटफॉल। पेशेंट फुटफॉल के मामले में अगर आप देखना चाहें तो जब हम लोग जगदलपुर से बिलासपुर को कंपेयर कर रहे थे तो जगदलपुर एक छोटा शहर, नया कॉलेज होने के बावजूद अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण इस क्राइटेरिया में बिलासपुर से बेटर दिखाई देता है। लेकिन जब हम राजनांदगांव को बिलासपुर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर दोनों की जियोग्राफिकल लोकेशन जो होती है समवॉट सिमिलर है, क्योंकि राजनांदगांव भी दुर्ग से, रायपुर से बहुत पास है और अगर आप नागपुर देखें नागपुर भी काफ़ी पास है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है राजनांदगांव से, तो आपको अगर कहीं जाना है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत होती नहीं है। सेम चीज़ बिलासपुर के साथ है, तो लोकेशन का तो यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों ही कॉलेजेस में आपको पेशेंट फुटफॉल अगर देखना है तो आपको एक्चुअल हॉस्पिटल के बारे में समझना पड़ेगा। राजनांदगांव का जो हॉस्पिटल है अगर देखा जाए बिलासपुर के हॉस्पिटल से, सिम्स से, तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कहा जा सकता। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, नई बिल्डिंग्स बनी है, आपके कॉलेज के लिए भी नई बिल्डिंग बनी है, हॉस्टल की नई बिल्डिंग बनी है और आपकी जो पढ़ाई होगी वो सब कुछ नई बिल्डिंग्स में होगा, तो इस हिसाब से बिल्डिंग तो बहुत नई है। बट अगर हॉस्पिटल के फुटफॉल की बात करें, हॉस्पिटल के नाम की बात करें, तो बिलासपुर का जो हॉस्पिटल है मच बेटर है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पेशेंट्स के बेसिस पे कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रायपुर के बाद सेकंड नंबर पे इधर आप जगदलपुर चूज़ करते हैं या फिर बिलासपुर, राजनांदगांव कहीं ना कहीं तीसरे या चौथे नंबर पर ही आता है। तो हम यहाँ पर राजनांदगांव को एक पॉइंट कम करते हुए बिलासपुर को ये पॉइंट देना चाहेंगे। सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया होता है, ऑब्वियसली जो हम हमेशा बोलते हैं कि फैकल्टीज एंड फैसिलिटीज़, है ना, सेकेंड हमारा होता है फैकल्टी एंड फैसिलिटीज़। तो फैकल्टी की जो बात है यहाँ पर भी जगदलपुर को इसलिए पिछले वाले वीडियो में माइनस मिल गया था क्योंकि उसका जो लोकेशन है वहाँ पर जनरली लोग अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या वहाँ पर जॉब नहीं करना चाहते हैं। सबका फेवरेट ये 3-4 शहर है छत्तीसगढ़ के सेंट्रल में, तो राजनांदगांव और बिलासपुर काफ़ी अच्छे शहर हैं, डेवलप्ड शहर है और काफ़ी वेल कनेक्टेड है, तो दोनों ही शहरों में ये वाली बात नहीं आती है। तो अगर हम फैकल्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही कॉलेजेस में आपको फैकल्टी बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ये अगर आप देखना चाहें कि कौन से कॉलेज में बेटर फैकल्टी है या कौन से कॉलेज में जो आपके प्रोफेसर्स होंगे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड होंगे, तो यहाँ पर आपको दोनों ही कॉलेज में बराबर टीचर्स मिलेंगे। हाँ, ये एक बात होती है कि सिम्स का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो होंगे ज़्यादा अच्छे से डेवलप होंगे, तो यहाँ पर राजनांदगांव को थोड़े से कुछ पॉइंट्स कम मिलते हैं, बट स्टिल क्योंकि दोनों ही कॉलेजेस एक सेम लेवल पे आ जाते हैं तो मैं फैकल्टीज़ में किसी के मार्क्स नहीं काटना चाहूँगा, क्योंकि राजनांदगांव एक ऐसा कॉलेज नहीं है जो बिल्कुल अभी नया नया खुला हो या यहाँ वहाँ पर किसी तरीके के डिपार्टमेंट्स की कोई कमी हो, तो राजनांदगांव का कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो दोनों ही कॉलेजेस में आपको टीचर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, कोई भी किसी से कम नहीं है। तीसरा जो है लोकेशन, लोकेशन अगर आप देखना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज का लोकेशन कैसा, आपके हॉस्टल का लोकेशन कैसा है या वो शहर कैसा है, तो इस मामले में ऑब्वियसली बिलासपुर जो होगा राजनांदगांव से मच बेटर होगा। आपको ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी, इसके अलावा जो वहाँ का कॉलेज होगा वो आपको बेटर फील देगा एज़ कम्पेयर टू राजनांदगांव का कॉलेज। और जैसे कि मैंने बोला राजनांदगांव का जो कॉलेज अभी नया बना है बट स्टिल इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हुई नहीं है। अगर आप 2 साल के बाद अगर आप देखें तो शायद आप बोलेंगे कि बिलासपुर और राजनांदगांव की लोकेशन दोनों सेम है। इसके पहले जो राजनांदगांव का हॉस्पिटल हुआ करता था वो सिटी के
अंतर था, अभी उसको शिफ्ट करके थोड़ा दूर तीन लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर कर दिया गया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, इसीलिए जो लोकेशन होगा वो बिलासपुर के लिए बेटर होगा। चौथा हमारा क्राइटेरिया होता है हमेशा एस्टैब्लिश्ड ईयर। एस्टैब्लिश्ड ईयर में आपको बिल्कुल आराम से पता है कि बिलासपुर का जो कॉलेज है वो बहुत पहले 2006 में बन गया था, सॉरी 2001 में बन गया था, और राजनांदगांव का भी अभी बना है। तो हम यहाँ पर बिलासपुर को ही ऑब्वियसली पॉइंट देंगे, और राजनांदगांव बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है जैसे कि जगदलपुर था जहाँ पर हम दोनों को पॉइंट्स दे सकते थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी भी राजनांदगांव अंडर डेवलपमेंट है, कम्प्लीटली डेवलप नहीं कहा जा सकता। जब वो उसकी पूरी बिल्डिंग फंक्शनल हो जाएगी, सारे डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाएंगे और एक वेल एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो अभी से फिर भी मैं कहूँगा कि 2-3-4 साल और वेट करना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि राजनांदगांव भी अब एक टक्कर का कॉलेज है। तो आप यहाँ पर बिलासपुर को पॉइंट्स दे सकते हैं। और पाँचवा जो लास्ट हमारा होता है वो होता है हॉस्टल की फैसिलिटी। दोनों ही कॉलेजेस में हॉस्टल है, दोनों ही कॉलेजेस में हॉस्टल आपको मिल जाएंगे, और दोनों ही कॉलेजेस में अवेलेबिलिटी जो होती है फर्स्ट ईयर के बाद तो आराम से मिल जाती है। दोनों का लोकेशन भी लगभग सिमिलर होगा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो बिलासपुर का जो कॉलेज है वहाँ के हॉस्टल्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं और राजनांदगांव का नया है, तो नई बिल्डिंग्स जनरली क्या होती है, अच्छी होती है। तो दोनों ही कॉलेजेस में आपको हॉस्टल तो सेम मिलेगा, फीस भी सेम है, मेस भी सेम है, सिमिलर है मतलब कि, तो आपको कॉलेजेस के हॉस्टल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जनरली हॉस्टल कंपेयर करते हैं तो अवेलेबिलिटी पे कंपेयर करते हैं, बिल्डिंग पे कंपेयर करते हैं, लोकेशन पे कंपेयर करते हैं। तो तीनों ही क्राइटेरिया में दोनों सेम होते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों को पॉइंट्स देते हैं। तो अगर आप देखें तो ऑब्वियसली क्लियर कर ली, यहाँ पर भी आपको बिलासपुर का कॉलेज हर हाल में बेटर दिखाई देता है। अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर डाल रहे हैं तो फर्स्ट आप PTJNM डालिए, अगर आपका जो कट ऑफ क्लियर हो रहा है, अगर आपके रैंक और आपके मार्क्स अगर आपको अलाउ करते हैं तो बिल्कुल हमेशा फर्स्ट में PTJNM ही होगा। अगर आपके कुछ मार्क्स कम है तो भी आप नंबर वन में PTJNM रायपुर ही डालिएगा। सेकंड प्रेफरेंस के लिए आप बिलासपुर या जगदलपुर में से एक चूज कर सकते हैं, और मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि आप जगदलपुर सेकेंड नंबर पर डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जितने बार भी जगदलपुर पर किसी भी तरीके का वीडियो बनाया मैंने यही बोला है कि जगदलपुर आप सेकेंड प्रेफरेंस में रख सकते हैं, तो इन दोनों का आप शफल कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर और थर्ड में जो होगा बिलासपुर और जगदलपुर होगा अपने अपने हिसाब से, और फिर चौथे में आप रख सकते हैं राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज को। तो ये हमेशा फोर्थ प्रेफरेंस होगा, बट फिर भी एक कंपैरिजन वीडियो आपके सामने यहाँ पर है, और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि अगर आप राजनांदगांव में ही रहते हैं या दुर्ग में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको राजनांदगांव ज़्यादा बेटर लगेगा। अगर आप बालोद की तरफ रहते हैं तो आपको राजनांदगांव बेटर लगेगा। अगर आप कवर्धा से हैं तो आपको राजनांदगांव बेटर लगेगा, क्योंकि वो आपके शहर के काफ़ी पास है, बहुत ही कम डिस्टेंस में है, बहुत जल्दी आप घर से आना जाना कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिलासपुर आपके लिए थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो अगर आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं मेरे बोलने के बाद भी कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए, तो आप राजनांदगांव चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब ऑप्शन नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होगा, अपना एक पर्सनल ओपिनियन रखना होगा, उसके बाद आप चूज़ करेंगे कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा, ये पूरी सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेटर होगा, चाहे आप इस साल की बात करें या आप अगले साल अपीयर होना चाहें तो उस साल की बात करें, जो कंपैरिजन होगा सिमिलर ही होगा। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पर सब्सक्राइब का एक आइकॉन बना हुआ है, वैसा ही सब्सक्राइब का आइकॉन आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, तो वैसा ही एक आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया तो वहाँ पर बेल का आइकॉन होता है तो उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, अगर आपने दोनों कर दिया है तो शेयर कर दीजिएगा, ऐसे शेयर करना, उस बाद कॉपी करना, लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल देना, तो क्या हो जाएगा, हमको कुछ और व्यूज मिल जाएंगे, कुछ नए बच्चे मिल जाएंगे, और जो नए बच्चे होंगे वो भी कुछ सीख जाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक थैंक यू very much.